ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जसवीर की है जो कि 39 वर्ष का बताया जा रहा है, निसिंग का रहने वाला, और किस तरीके से फास्टैग लगाने का ये काम करता था। निसिंग से प्योट की तरफ जाते हुए ये वहीं पे जो है कल बैठा हुआ था, 6 से 7 बजे की बात है, और किस तरीके से एक बोलेरो गाड़ी आती है तेज स्पीड में और वो ठोक देती है, जिसके बाद इसकी जो है इलाज के दौरान मौत हो जाती है। हालांकि 39 वर्ष इनकी उम्र बताई जा रही है, और वहीं पर ये जो है फास्टैग लगाने का काम किया करते थे। कल महज 7 बजे की बात है, और उसके बाद ये जो है अपने घर जाने वाले थे। इनके छोटे बेटे का बर्थडे था और वो घर पे वेट भी कर रहा था, लेकिन ये घर नहीं लौट पाते। उसके बाद कल्पना चावला में इनको लेके आया जाता है, जहाँ पे इनकी मौके पर मौत हो जाती है। और अभी फिलहाल शव को जो है पोस्टमार्टम में रखवाया हुआ है कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस में। किस तरीके से पोस्टमार्टम शव का कराया जा रहा है, उसके बाद परिवार वालों का सौंपा जाएगा। हालांकि परिजन मौके पर हैं। कैसे हो गया सर हादसा, थोड़ा बताइए। ये मैडम ना, ये मतलब प्योंद टोल प्लाजा पे फास्टैग वगैरह का काम करता था, तो साइड में बैठा हुआ था, जैसे बैठा हुआ था तो एक महिंद्रा पिकअप आती है, सीधी इसके अंदर ही उसकी टक्कर लगती है जी। साथ में बाइक थी, बाइक भी चकनाचूर हो जाती है। तो बस की वहाँ से ये 6 और 7 के बीच में हादसा होता है, फिर इसको यहाँ लेके आते हैं जी कल्पना चावला में, यहाँ इलाज होता है इसका। और ये तकरीबन 11 साढ़े 11 के बीच इसकी यहाँ पे, तो वो पकड़ा गया गाड़ी वाला? हाँ जी हाँ, गाड़ी वाला ही पकड़ा गया, ड्राइवर वो भी पकड़ा गया, वो नशे में था। तो अभी कहाँ फिलहाल? वो निसिंग पुलिस थाने में है। हाँ जी हाँ जी, वहाँ से लेके आए थे ना यहाँ पे, यहाँ 7 के आसपास ले आए थे जी उनको, और 11 साढ़े 11 के आसपास इनकी एक्सपायर। ये 39 परिवार में एक घरवाली है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटे लड़के हैं, कल जन्मदिन था। इकलौते कमाने वाले यही है जी, बस इकलौता। कुछ प्रशासन से अपील? प्रशासन से यही है कि छोटे बच्चे हैं जी, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं, आगे उनकी देखो जी कुछ किए जाए, मदद की जाए जी। बिल्कुल, बच्चे का जन्मदिन था, बच्चे बार बार कॉल कर रहे थे उसको, वो अपना तैयारी कर रहे थे जी बर्थडे की, तो इनको आना था घर पे, उसी दौरान ये हादसा हो जाता है। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि एक बड़ी दुखद खबर जो है करनाल के निसिंग से सामने आते, किस तरीके से निसिंग से प्योंग के टोल प्लाजा पे फास्टैग लगाने का काम करते थे जसबीर। महज 39 वर्ष उनकी उम्र थी, घर पे 2 बच्चे और बीवी इंतजार कर रही थी। हालांकि छोटे बेटे का बर्थडे भी था और महज 7 बजे वो जो है घर को लौटने वाले थे, और तभी एक जो है बोलेरो गाड़ी आती है जो कि काफ़ी तेज स्पीड में बताई जा रही है, और हालांकि जो ड्राइवर था वो भी नशे में था। किस तरीके से वो जो है उसमें ठोक देता है, वो साइड में चेयर पर बैठे हुए थे, और उसके बाद उनको जो है कल्पना चावला हॉस्पिटल लेके आया जाता है, जहाँ पे उनके इलाज के दौरान मौत हो जाती है। फिलहाल शव को जो है कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में रखवा दिया गया। और सोचिए कि घर में छोटा बच्चा, उसका बर्थडे मनाया जा रहा था, पार्टी हो रही थी, और उसी की शायद वो जल्दी में भी थे। सारे परिजन मौके पर पहुंचे, किस तरीके से परिवार पर दुखों का पहाड़ जरूर टूट जाता है। और घर के इकलौते वो कहीं ना कहीं कमाने वाले भी थे, और भी लोग यहाँ पे पहुंचे, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर एक बार बता दीजिए किस तरीके से हुआ हादसा, आपको क्या कुछ सूचना मिली थी? हमने रात को 11:30 बजे सूचना मिली थी कि भाई आ रहे हैं, तो एक गाड़ी से जो नशे में दूध थे ड्राइवर, उन्होंने उसको टक्कर मारी है, और मौके पर वो वहाँ पर कल्पना चावला में ले, जो कि इलाज के बाद 11:30 बजे के बाद एक्सपायर, उसकी मौत हो गई। गाड़ी कौन सी थी, किसने टक्कर मारी थी? ये गाड़ी थी जो नवी गाड़ी थी, कोई बोलेरो थी नवी गाड़ी, वो आ रही थी। हालांकि नशे के दूध में थे, हाँ पकड़ा गया। तो अपने वाला क्या टोल पे वहाँ पे फास्टैग लगाते हैं? हाँ जी, फास्टैग का काम करते थे ये, कम से कम 7-8 महीने हो गए वहीं जाते थे, अपना रोजी रोटी के लिए थोड़ा बहुत कमाते थे। 2 बच्चे हैं और उसके लड़का कल बर्थडे था, उसके जल्दबाजी में आए थे। आप क्या लगते हैं? मैं उसका भाई हूँ, उसका ताऊ का लड़का। बिल्कुल, एक बड़ी दुखद खबर आप सुन सकते हैं, किस तरीके से निसिंग के रहने वाले जसबीर, 39 वर्ष उनकी उम्र थी, और घर पे उनका बच्चा वेट कर रहा था, उनके घर पे पार्टी चल रही थी, सेलिब्रेशन चल रहा था, उसी की जल्दी में वो थे। लेकिन उससे पहले कि वो घर लौट पाते, एक बोलेरो गाड़ी आती है जिसका ड्राइवर नशे में बताया जा रहा था, और वो उसमें जो है ठोक देता है, वो साइड में चेयर पर बैठे हुए थे, जिसके बाद उनकी इलाज के दौरान जो है मौत हो जाती है। तो सोचिए कितनी दुखद खबर है। हालांकि जो ड्राइवर है, जो गाड़ी है, उसको पुलिस ने कब्जे में जरूर ले लिया, निसिंग थाने में फिलहाल वो है, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। घर के इकलौते कमाने वाले वो थे, और कल भी हमने आपको रात को खबर दिखाई थी किस तरीके से 2 घर के इकलौते कमाने वाले लोगों की इसी तरीके से सड़क हादसे में मौत हो गई थी। हालांकि कल ट्रक से हुई थी, आज जो मौत है ये भी, हालांकि कल रात का ही मामला बताया जा रहा है, और ये भी जो है एक बोलेरो गाड़ी से हो जाती है। तो नशे में रह के जो लोग चलाते हैं, वो अपनी जान को जोखिम में तो डालते ही डालते हैं, दूसरों को भी डाल देते हैं। तो सोचिए कि उनका क्या कसूर है, जो साइड में बैठ के सिर्फ अपने घर जाने की जल्दी में थे, अपना काम कर रहे थे, उनके घर
घर वाले उनका इंतजार कर रहे थे, और इस तरीके से इतनी लापरवाही से गाड़ी चलाई गई, इतना ज़्यादा स्पीड को भी नियंत्रण में नहीं रखा गया कि उनको ठोक देते हैं, उसके बाद उनकी जो इलाज के दौरान मौत हो जाती है, उनके घर वालों का क्या कसूर है, इकलौते वो कमाने वाले थे, घर का जो गुजारा है वो कैसे चलेगा। तो जो तमाम परिजन है, जो परिवार है, वो कहीं ना कहीं प्रशासन से अपील कर रहा है कि थोड़ी मदद की जाए, इस जो मामला उसको भी संज्ञान में लिया जाए, और थोड़ा उनके परिवार के ऊपर जो है उनके बारे में भी सोचा जाए कि अब उनकी देखरेख आगे कौन करेगा। एक तो उनका व्यक्ति भी चला गया तो कितना इमोशनल डैमेज उनका कहीं ना कहीं हो गया, और उसी के साथ साथ जो उनके पैसों रूपी भी मदद की भी उनको ज़रूरत रहेगी, आवश्यकता रहेगी, कौन अब देखेगा उनके घर बार का। तो आपसे अपील करूँगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ताकि कुछ अधिकारियों के संज्ञान में मामला आ सके और मदद के लिए वो भी आगे आ सके। भव्य नारायण, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।